है देश की पहली सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाने वाली ट्रेन। इसमें 6 कोचेज हैं और इस ट्रेन को दिल्ली और फारूक नगर के बीच में चलाया जाएगा। ये नई पहली ट्रेन, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी अंदर जो लाइट जल रही हैं, इस तरीके की जो सिटिंग अरेंजमेंट हैं, अगर आप उनको देखें, साथ ही साथ इसमें जो लाइट जल रही हैं वो सोलर पैनल से पैदा हुई बिजली से जलाई जा रही हैं, और जो पंखे चल रहे हैं ये भी सोलर एनर्जी के जरिए हैं। और इसमें जो तमाम दूसरे इंतजाम हैं, अगर उनको हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट इसमें अलग तरीके का कलर दिया गया है, और जो लाइट है ये सोलर लाइट रहेगी। तो जो रेलवे की कोशिश है कि किस तरीके से जो एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल की जाए, इस पर पूरा जोर है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अच्छी कोशिश है। और ये जो ट्रेन है इसमें हर एक डिब्बे में जो अतिरिक्त लागत आई है वो तकरीबन 8 लाख रुपए है, हर कोच के हिसाब से देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हर साल 9 टन हर कोच कम करेगा, यानी अगर बिजली जलाई जाती तो इतना पॉल्यूशन फैलता। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो जब ये ट्रेन चलेगी दिल्ली से फारूक नगर के बीच में, तब ये कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन को रोकेगी। और इसको सीधे सीधे शब्दों में अगर समझें तो हर एक डिब्बा 21,000 लीटर डीजल की बचत करेगा। और साथ ही साथ अगर रेलवे के फ़ायदे की बात करें तो रेलवे का जो फ़ायदा है उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हर एक डिब्बे से तकरीबन 12 लाख रुपए की हर साल बचत होगी। और जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु का प्लान है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो बचत है वो बढ़ाई जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इस पर ज़्यादातर फोकस है। तो यहाँ पर जो आप पंखा चलता हुआ देख रहे हैं वो इस समय जो सोलर एनर्जी है उससे चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यानी आप हवा खा रहे हैं लेकिन पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को इस्तेमाल करने पर रेलवे का पूरा फोकस है। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं ये एक अच्छी कोशिश है रेलवे की, जिसमें जो जितने डिब्बे हैं इनके ऊपर जो है सोलर पैनल लगाए गए हैं, और इन सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, 24 घंटे इसमें बिजली रहेगी, और इसके लिए अलग से जनरेटर सेट नहीं लगाया गया है। तो जब ट्रेन चलेगी तो हम कह सकते हैं ट्रेन चलेगी, देश चलेगा, साथ ही साथ पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। तो ये जो कोशिश है अच्छी कोशिश है, और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि और भी दूसरी ट्रेनों को भी इसी तरीके से सोलर एनर्जी से चलाया जाना चाहिए।